देखो कितना प्यारा सा दरबार, सबसे बेस्ट लगा मुझे अभी तक का ये दरबार, सबसे बेस्ट लगा है। और गाइस ये है पूरा कालका माता का ब्लॉग होने जा रहा है, मतलब कालका माता यात्रा का ब्लॉग होने जा रहा है, जो कि ये जोत लेके आते हैं बुलंदशहर के लिए। दिल्ली से कालका माता का मंदिर है दिल्ली में बहुत अच्छा बना हुआ, तो वहाँ से जोत लेके आते हैं बुलंदशहर के लिए। तो पूरा ये जो ब्लॉग है वो होने वाला है, ये अपने चैनल पर पहली बार मैं कवर कर रहा हूँ, तो आपको पूरा देखना बनता है। और देखिए बुलंदशहर की यात्रा कैसी होती है, जो बुलंदशहर से नहीं भी है जो है सब देखो, और बाकी बुलंदशहर के लोग तो अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताओ कि आप बुलंदशहर से हो या नहीं। और गाइस बुलंदशहर में फैला दो और आसपास के क्षेत्र में सब में फैला दो ये वीडियो। बाकी अगली बार मिलेंगे तो मीटअप करेंगे बहुत तगड़ा वाला, हर एक सिटी में जाके जहाँ जहाँ मैं आपकी पहली पहली बार जा रहा हूँ वहाँ दूसरी दूसरी बार तब भी जाऊँगा तो मीटअप करूँगा। बाकी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर सनी एंड वेलकम टू दी अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? बाकी गाइस चलते हैं ब्लॉग में, आगे बढ़ते हैं एंड देखिए आप। ये गाइस तो यहाँ पे ऐसे होती है कुछ माता की जोत जो लेके आते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो सामने देख सकते हो। बाकी एनके डीजे अपना आ चुका है, हम एनके डीजे पे आ चुके हैं। बाकी इसकी साउंड टेस्टिंग वीडियो आपने देख ली होगी, ठीक है। और एनके की दो टाटा बन चुकी हैं, सामने खड़ी है। बाकी गाइस कृष्णा म्यूजिक एंटरप्राइजेस वाली गाड़ी पे एनके लिख दिया गया, और इनकी एक गाड़ी है इनकी वाली, वो सामने है। बाकी हमने ऑपरेटर को रोला जमा रहा, रोला ऊपर। बाकी शार्पी आर पे चल रही है वाली यार, सितम दल्ला एन के डी जे। बाकी देखते हो ब्लॉग वगैरह वीडियो आपने देख ली होगी एन के की। और भाई ये कालका माता की यात्रा होती है यहाँ पे बुलंदशहर, ये बुलंदशहर। बाकी अभी गाड़ी निकाल रहे हैं जल्दी, आराम से गाड़ी निकाल रहे हैं, आराम से आराम से। सामने आ गए वाले में जनरेटर है, सोई जनरेटर है इसके आगे, बिल्कुल साफ है। ठीक है चलो 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 आराम से गाड़ी निकाल रहे हैं बस। ये कृष्णा म्यूजिक एंटरप्राइजेस वाली गाड़ी जो है ना वो एनके की जाली का पेंट करा है, बोल सच्चे दरबार की बोल मारे।
बाकी और भी आगे बहुत सारे सेटअप दिखाने वाला हूँ, तो बने रहो ब्लॉग के अंदर एंड बहुत सारे सेटअप दिखाने वाला हूँ, मजा आने वाला है। बुलंदशहर का मिला तो आए कालका माता से जोत लेके। हेलो, ये सुभाष सर हाई भाई, भाई डीजे है सबका बाप। अलग अलग गाड़ी खड़ा करो, संगम वाले भैया गाड़ी खड़ा करो, चलो हजार रोज भाई दे सकते हैं। यहाँ का मिला ऐसा होता है कुछ किसी बड़ी जो है, बाकी इनके पीछे वो आ रहा सारा ऐसा होता है यहाँ का मेला कुछ। हेलो ड्राइवर साहब, वो कार दे अरे भाई साहब, कार दे कार दे भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे पूरा डीजे का मेला किस तरीके से हो रहा है। ये देखो जनरेटर सबके आगे बने हुए हैं, सबके जनरेटर आगे, हर टाटा के जनरेटर आगे बने हुए हैं, और देखो टाटा भी किस साइड किस तरीके से बांधी गई है देख सकते हो आप। पूरा फोर साइड तरीके से देखो पूरा टाटा वेल्डिंग वेल्डिंग का रखा यार, तगड़ा करके बांधी गई है। बाकी देखो ये अक्की इवेंट्स, ये भी बुलंदशहर का डीजे है अक्की इवेंट्स, इसकी साउंड टेस्टिंग भी आपने देख ली होगी आई होप। बाकी आप देख सकते हो पीछे से भी अभी दिखाते हैं हमें आपको डीजे अक्की इवेंट्स कैसा है, सामने से दिखाता हूँ एक बार। सामने से यह है अक्की, शायद ही मुरादाबाद में पहले आ रखा है। बाकी बने रहो ब्लॉग के अंदर, चलता रहेगा ऐसे ही, सेटअप स्टार्ट हो रहा है, साउंड टेस्टिंग देखने को मिली गई होगी आपको। कुछ कुछ डीजे जो है वो पैक होके भी जाने लगे हैं, ये है कोई ठाकुर डीजे नंबर वन, ये भी पैक होके अभी अपने घर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा। बाकी आप शिवा डीजे देख सकते हो आगे से, शिवा डीजे का मुझे सबसे अच्छा मतलब वो लगा जिस तरीके से उन्होंने लगा रखा है, और डीजे पाल इवेंट बहुत ही खूबसूरत तरीके से डीजे लगा हुआ है। बाकी ये देखो आप, ये भी डीजे खड़ा है, और इधर ये माता की बहुत अच्छी सी जोत ये जो लेके आए हैं, बहुत बढ़िया सुंदर सी जोत लेके आए हैं। बाकी यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से मेला लगा हुआ देख सकते हो यार गाइस, बहुत तगड़ा सिस्टम, देखो बहुत प्यार से सारी गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया माता का देख सकते हो यार गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा लगा। और बाकी सामने
माता का मुझे अभी तक का ये दरबार सबसे बेस्ट है। ब्लॉग देख के आ ही गए होंगे, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके जरूर से बताना। एंड गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सारी चीजें करने में, क्योंकि मैं मुरादाबाद से बाहर जाता हूँ, फिर बाइक से आना जाना होता है, तो क्योंकि कार में लेके जा नहीं सकता, अगर मैं कार लेके भी जाऊँगा तो फिर मुझे डीजे वगैरह का करने होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो इसलिए बाइक या स्कूटी वगैरह रिकमेंडेड करता हूँ मैं अपने लिए, खुद के लिए। और गाइस अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज से यार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, आपका ही चैनल है गाइस तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मेहनत पूरी चल रही है तगड़ी वाली, एंड बहुत बहुत तगड़े साउंड सिस्टम एंड बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ आप सब लोगों को, एंड बहुत सारी ट्रिप्स भी हम करने वाले हैं। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर करा दो फटाफट से। बाकी और आगे कुछ नया प्लान करते हैं आप सब लोगों के साथ मिलके भी, तो चलिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।